मेरे दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज से करोड़ों साल पहले इस धरती पर हम मनुष्यों का नहीं बल्कि हमसे कई गुना बड़े महाकाय जीवों का राज हुआ करता था और अपना अस्तित्व कायम रखने के लिए उन जीवों को भी स्ट्रगल करना पड़ता था। मेरे प्यारे दोस्तों, जरा सोचिए, जब उस वक्त कोई दो बड़े महाकाय जीव आपस में भिड़ते थे तो उस वक्त का नजारा कैसा होता होगा? सुनने में लगता है ना मजेदार, पर वो नजारा उतना ही भयानक हुआ करता था। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही दो महाकाय जानवरों की बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, यदि आपने अब तक हमारा वाइल्ड लाइफ यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। मेरे प्यारे दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज से 10 करोड़ साल पहले मौजूद स्पाइनोसॉरस और टाइटेनोबोआ के बारे में। मेरे प्यारे दोस्तों, एक तरफ है स्पाइनोसॉरस जो कि एक मांसाहारी डायनासोर प्रजाति का जीव था। आकार में यह आज के किसी बड़े इमारत के बराबर यानी 17 से 18 मीटर की लंबाई और लगभग 10 से 20 हजार किलो वजन वाला जानवर था। इस जानवर के अवशेष मिस्र में 1915 में मिले थे, जिसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद नष्ट कर दिया गया था। बहुत से वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका शिकार जलीय और स्थलीय दोनों जीव हुआ करते थे और हवा में उड़ते हुए कुछ जीवों को भी यह अपने चपेट में ले लिया करते थे। और सबसे खतरनाक इसके दांत इसे बनाते थे। इसकी पकड़ में आए किसी भी जीवों का बचना लगभग नामुमकिन था। इसके नुकीले दांत के साथ इसका वजन भी किसी जानवर की हड्डी को उसके शरीर से अलग करने के लिए काफी था। और दूसरी तरफ है 13 मीटर लंबे और 2000 किलो के साथ टाइटेनोबोआ। ऐसा माना जाता है कि सांपों की सभी प्रजाति में यह सांप सबसे विशालकाय और जानलेवा हुआ करता था। इसके दांत बड़े नुकीले और जहरीले थे। यह अपनी फुर्ती से कौन से भी जानवर पर हमला कर सकता था और उसके शरीर पर कुंडली बनाकर 1000 किलो का वजन उस जानवर पर डाल सकता था, जिससे तुरंत ही शिकार की दम घुटने से मौत हो जाती थी। इसके अवशेषों को कोलंबिया में हुई खुदाई से प्राप्त किया गया था। टाइटेनोबोआ का मुख्य आहार पानी में मौजूद मछलियां और मगरमच्छ हुआ करते थे और जमीन में मौजूद अपने आकार से लेकर छोटे आकार तक के जीवों को ये निवाला बनाता था और अपनी फुर्ती से कुछ मीटर ऊपर भी छलांग लगाता था। भले ही वजन 1000 किलो से भी ऊपर ही क्यों न हो, पर उसकी ताकत का मुकाबला कर पाना बड़ा ही मुश्किल था। तो अगर स्पाइनोसॉरस और टाइटेनोबोआ की आपस में लड़ाई होती है तो जाहिर सी बात है, भले ही स्पाइनोसॉरस को थोड़ी मेहनत करनी पड़े, लेकिन आखिर में विजेता स्पाइनोसॉरस ही होगा, क्योंकि विशालाकार और 10000 किलो वजन वाले मांसाहारी डायनासोर का मुकाबला कर पाना टाइटेनोबोआ के लिए लगभग नामुमकिन ही था। मेरे प्यारे दोस्तों, अब आपके हिसाब से इस जंग में जीत किसकी होगी, यह हमें कमेंट करके जरूर बता देना। हम आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार करेंगे। खैर, इस वीडियो से अगर आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर देना और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ शेयर करना। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को ऑन कर लो ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करो। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।